Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. तो हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आप देख रहे हैं गेमिंग चैनल गाइस। तो हाजिर हो चुका हूं मैं अभी न्यू वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आप लोगों ने टाइटल तो देख लिया होगा किसी भी तरह। रफीफ, तो रफीफ का अकाउंट बैन हो चुका है गाइस, आपको पता ही होगा। और उसने भाई एक पोस्ट डाला था अपने कम्युनिटी टैब में, रफीफ ऑफिशियल वो चैनल पर, 3 वीक्स एगो गाइस। आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो यहाँ पर, न्यू वीडियो संडे करके उसने भाई डाला था पोस्ट। और वहाँ पर भी बहुत सारे कमेंट्स आए गाइस, वी आर वेटिंग, प्लीज़ पुट इट फास्ट करके। लेकिन भाई 3 वीक्स एगो, और उसने जब संडे को भाई सैटरडे को ये पोस्ट किया था, संडे को उसका वीडियो तो नहीं आया गाइस, वीडियो तो नहीं आया उसका। लेकिन भाई उसने वीडियो डाला 22 अप्रैल को, जो कि मंडे था गाइस। वहाँ पर उसने वीडियो डाला रफीफ अकाउंट बैंड 1850 बिलियन कॉइंस के साथ। गाइस रफीफ का अकाउंट बैन हो गया, बल्कि उसी ने वीडियो डाला था गाइस। और उसका लेवल था गाइस अभी 2968 लेवल था, और उसकी टोटल विनिंग जो कि है 6000 कंप्लीट हो रही थी गाइस। अगर उसका अकाउंट बैन नहीं होता वो 6000 तक। तो फ्रेंड्स, अभी उसने यहाँ पर 1 वीक एगो भाई रफीफ ऑफिशियल करके न्यू वीडियोज़ फ्रॉम न्यू अकाउंट बोल के उसने एक पोस्ट डाला था भाई, वोट यस और नो बोल के। वहाँ पर भी उसे 94% वोट मिले गाइस, और नो बोल के 6% मिले। जो 6% है गाइस वो तो पूरे उसके हेटर्स ने किया होगा भाई, जिसकी उसकी देख के जल जाती है ना भाई, उसी ने नो करके कमेंट किया होगा। और वहाँ पर आप देख सकते हो भाई, मैंने रफीफ़ चैनल का डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया है भाई, रफीफ़ का चैनल का लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, सभी लोग देख लीजिए। और भाई उसके तो ज़्यादा 57K ही सब्सक्राइबर्स है गाइस, लेकिन आगे उसके सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे गाइस। फ्रेंड्स, और ये बात है कि भाई वलीद का अकाउंट क्यों बैन नहीं हुआ भाई, वलीद का अकाउंट, उसने भी भाई, अगर मेरे ख्याल से उसने तो भाई बहुत सारे कॉइन्स उसने भी ट्रांसफ़र किए हैं भाई। उसके पास भी 1200 भी थे, लेकिन रफीफ के पास 1800 बिलियन थे कॉइन्स। लेकिन भाई यहाँ पर 90% लोगों का माना जाता है भाई रफीफ़ ने कॉइन्स ट्रांसफ़र नहीं किए। रफीफ़ और शहीद शब्बीर ने वो अकाउंट को इतना जल्दी आगे बढ़ाया है क्योंकि भाई वलीद आ चुका था नेक्स्ट लीजेंड, क्योंकि रफीफ़ नीचे हो जा रहा था भाई, इसीलिए शहीद शब्बीर और रफीफ़ ने न्यू प्लान डाला था भाई, हम ऊपर जाएंगे, बहुत सारे कॉइन जमा करेंगे। लेकिन भाई ये मिनी क्लिप ने तो रफीफ़ का अकाउंट बैन कर दिया। मिनी क्लिप सोच रही होगी भाई रफीफ़ के पास तो इतने कॉइन्स कहाँ से आएंगे भाई, ट्रांसफ़र किया होगा इसने, चलो बैन कर देते करके मिनी क्लिप ने बैन कर दिया होगा। लेकिन भाई ऐसा नहीं हो भी सकता, नहीं हो भी सकता गाइस, किसे पता। मामूली तो बात यह है भाई, 1B 2B तो ट्रांसफ़र हम लोग ईजीली कर सकते हैं, लेकिन रफीफ़ के पास तो भाई इतने सारे कॉइन्स थे, वो तो खेल के ही जमा करना पड़ेगा। ट्रांसफ़र करेंगे तो भी भाई वो इतना ट्रांसफ़र करना पड़ेगा भाई, पूरे थक जाएंगे हम। 1-2 भी निकालने को भी भाई 2-3 आवर्स लग जाते हैं हमें कम से कम, अगर बर्लिन में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अभी गुड न्यूज़ भी है गाइस, रफीफ इज़ बैक विद न्यू अकाउंट करके उसने कल ही वीडियो डाला था गाइस, 16-18 आवर्स है वो। वहाँ पर भी 20-30K व्यूज़ आ गए उसे। आपको मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, टॉप में है गाइस, वही फर्स्ट लिंक है, सभी लोग उस वीडियो को देख लेना फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, जब रफीफ़ का अकाउंट बैन हुआ था गाइस, आप स्क्रीनशॉट मैं आपको स्क्रीन में बता रहा हूँ, रफीफ़ का लेवल 971 है गाइस। उसने अपने दूसरे अकाउंट में से फ्रेंड्स में चेक करके ये स्क्रीनशॉट हमारे को दिखाया है भाई उसके वीडियो में। आप देख सकते हो 382 बर्लिन रिंग्स है, और 6000 भी होने वाले थे, नहीं हो पाए। और गाइस 73% था गाइस विनिंग परसेंट। बॉल पॉटेड भी आप देख सकते हो 7 लाख होने वाले थे गाइस, और सिर्फ 6000 बॉल पॉटेड करने चाहिए थे तो भाई ये 7 लाख कंप्लीट हो जाते। और अर्जंगेल मैक्स है, पूरे क्यूज इसके पास मैक्स है गाइस, जिसने इतने सारे पैसे खर्च किए भाई ये अकाउंट को क्यूज के लिए, किंग क्यू, क्वीन क्यू, भाई बहुत सारे क्यूज है इसके अकाउंट में। आप देख सकते हो भाई, उसका वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, सेकेंड लिंक वही है। और फ्रेंड्स, मेन बात यह है कि ये स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हो भाई, इंडिया का कंट्री इसने लगाया है। आप लोगों को पता ही होगा भाई, 1 मंथ से इंडिया में भाई बहुत सारे अकाउंट्स बैन हो रहे हैं,
हालांकि पाकिस्तान में भी हो रहे हैं गाइस, लेकिन जब रफीफ ने इंडिया का कंट्री चूज किया, लगा दिया है भाई, जब उसके बाद ही भाई उसका अकाउंट बैन हो गया है। मेरे ख्याल से भाई जब मैनी क्लिप यहाँ पर इंडिया में बहुत ध्यान दे रही थी भाई अकाउंट बैन करने का, वही टाइम रफीफ का भी अकाउंट यहाँ पर इंडिया में आया गया आईपी एड्रेस मतलब कंट्री में, तो इसीलिए भाई मैनी क्लिप ने बैन किया होगा, पता तो नहीं भाई, कंट्री चेंज भी हो सकता है, पॉइंट ट्रांसफ़र भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स अभी तो वलीद जैसा कि टॉप में है, अब उसके अकाउंट तो बैन होने के चांसेस तो नहीं है भाई, वो चौकन्ना हो गया है भाई, ट्रांसफ़र नहीं कर रहा लगता है, रफीफ का अकाउंट बैन हो गया है। इसीलिए फ्रेंड्स मेरा भी अकाउंट बैन हुआ था, आपको पता ही होगा 2 बिलियन कॉइंस थे वो, उसमें भी भाई 11-13 लेजेंडरी थे गाइस, वो भी पूरे लेवल 1 थे, पूरी मेन आईडी थी गाइस, 2 बिलियन कॉइंस थे, मैंने 1 मंथ इतना सारा खेला भाई, लेकिन आईडी चले गई। फ्रेंड्स और आपके भाई कौन से अकाउंट्स बैन हो गए, कितने कॉइंस थे, कितना आपने खर्च किया है भाई? मैंने तो बहुत खर्च किया है भाई, लेकिन अभी मैं न्यू अकाउंट बना लिया है मैंने भी रफीफ के जैसा। तो फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट कर दीजिए आपके कौन से अकाउंट्स बैन हुए हैं, कितने कॉइंस थे उसमें, कितने लेजेंडरीज थे। तो बाय बाय गाइस, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट गिव अवे या नेक्स्ट लाइव में गाइस, जो कि अभी अपकमिंग में करता रहूँगा। और थैंक यू फ्रेंड्स 3000 सब्सक्राइबर्स के लिए, और यहाँ पर कॉइंस ट्रांसफ़र का वीडियो आप लोग देखना मत भूलिए गाइस, जिसे भी कॉइंस ट्रांसफ़र करना है आप लोग ये वीडियो जल्द से जल्द देख लीजिए यहाँ पर, हाउ टू ट्रांसफ़र कॉइंस विदाउट बैन 2018 करके। और भाई गिव अवे विनर भी मैंने अनाउंस कर दिया है फ्रेंड्स, गिव अवे विनर भी मैंने अनाउंस कर दिया है भाई, आप लोगों ने देख लिया होगा किसी भी तरह वीडियो, वहाँ पर भी भाई 44 लाइक्स मिले हैं, 300 तो व्यूज़ मिल गए, शुक्रिया भाई। जिसने भी अकाउंट नहीं जीता भाई, देख लेंगे आगे भाई, कोई भी जीत सकता है आगे, और एक लेजेंडरी की उसके अकाउंट मैं गिव अवे करता रहूँगा गाइस, और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लाइव में, बाय बाय गाइस।